हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स का पार्ट 1 का हिंदी समरी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस चैप्टर में हम कपड़ा और लोहा उद्योग यानी कि लोहा इंडस्ट्री, इन दो इंडस्ट्री का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह से भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदला गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड तथा यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा भी होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट यानी कि भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए हम लोग सबसे पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालते हैं। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया के कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में बड़ा ही मशहूर था। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों से आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा ही मज़ेदार है। वर्ल्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज यानी कि शब्दों में इतिहास छिपा हुआ है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोशूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी कि मलमल कहने लगे। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में अपना डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। तीसरे फिगर में एक ऑर्डर बुक का पन्ना दिखाया गया है जिसमें 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। बही के मुताबिक उस साल कपड़ों के 589,000 थानों का ऑर्डर मिला था यानी कि 589,000। यदि हम इसी बही के पन्नों को पलटे तो हमें यह पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्तों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। यहाँ लिखा गया है फिगर 3 में हम लोग देख सकते हैं उस पन्ने को। अब हम इसी बही में दी गई विभिन्न किस्म के नामों को देखते हैं। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें यह व्यापारी सिट्स, कोसा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिट शब्द कहाँ से आया है? तो यह हिंदी के छीट शब्द से निकला है।
हमारे यहाँ छीट रंगीन फूल पत्तों वाले छोटे छाप के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशों और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतवा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान ही पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबुंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंग वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जा सकता था। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र किया गया है जिनका नाम उनके जन्म स्थल के अनुसार लिखा गया है, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर इत्यादि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय जो कपड़े थे ये कितने मशहूर थे। जैसा कि अभी तक हमने देखा, हम लोग जान चुके हैं कि इन कपड़ों का जो महत्व है पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह से फैल चुका था और सभी लोग भारतीय कपड़ों को ही पसंद किया करते थे। अगला है इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स, यानी कि यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाना खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादन अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे थे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकनीकों की उत्पादनता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड और क्राइड ने बास्प इंजन का आविष्कार किया जिससे सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाने लगा था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़ों का जो दबदबा था 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियाँ भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही थी। इसको हम लोग चैप्टर 2 में देख चुके हैं। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से जो राजस्व मिलता था, जो टैक्स मिलता था, उसे वसूल करके उस पैसे से कपड़ा जो है उसकी खरीदारी कर लेती थी। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, यहाँ एक दिया गया है, एक खांचा तैयार किया गया है, एक मैप बताया गया है और इसमें बताया गया है कि 18वीं सदी थी उसके आखिर में बुनाई के जो मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे। इस फिगर के द्वारा हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग हु वेयर द वेवर्स, यानी कि जो बुनकर थे ये कौन लोग थे। बुनकर आम तौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकलोर तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागों को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था।
जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागों को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी भी चलती थी। द डिक्लीन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी कि भारतीय कपड़ों का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादनों पर कई तरह के असर पड़े। पहला असर ये पड़ा कि अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ार में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। सबसे बुरी बात बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बावजूद जो बुनकर थे उन्हें असली दरिंदगी तो अभी आने वाले थे, अभी उन लोगों ने उतना कुछ झेला नहीं था। 1830 के दशक तक भारतीय बाज़ार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पूरी तरह से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितनी सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होने लगी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर ही अपनी आजीविका चला रही थी वे अब बेरोजगारी के कगार पे आ चुकी थी। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाले बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इसका वजह यह था कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी तथा परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग था, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों से यह बेहद मोटा कपड़ा बन पाता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। हमने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें, यानी कि जो बाहर से कपड़े आए हुए हैं उसका बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने हुए कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दे दी गई। अब आइए देखते हैं कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उसमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के बगानों में काम करने के लिए चल पड़े। इसमें से कुछ जो हथकरघा बुनकरों को मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नई कपड़ा कारखाने में भी नौकरी मिल गई थी। अगला है कॉटन मिल्स कम अप, यानी कि सूती कपड़ा मिलों का उदय। दोस्तों, इस टॉपिक के आगे हम लोग अपने सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए अंत तक धन्यवाद और नमस्कार।